वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सब्जेक्ट साइंस. द नेक्स्ट हेडिंग इज वाटर एंड ह्यूमन बॉडी. ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर. व्हेन वाटर इनटेक इज लेस और देयर इज एक्सेसिव वाटर लॉस द बॉडी मे गेट डिहाइड्रेटेड. ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सभी एक एक सेल ह्यूमन बॉडी की कंटेन्स करती है वाटर, वाटर को कंज्यूम करती है. व्हेन वाटर इनटेक इज लेस, जब पानी की कमी हो जाती है, और देयर इज एक्सेसिव वाटर लॉस, या वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है. बॉडी वाटर कंटेंट मे गो डाउन ड्यू टू डिजीजेस लाइक डायरिया. जो वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी का, वो लूज, ज़्यादा वाटर लूज होता है किसकी वजह से, डायरिया, जो भी एक बीमारी है. ड्यूरिंग एक्यूट डायरिया एंड वोमिटिंग वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. डायरिया की वजह से और वोमिटिंग की वजह से जो वाटर होता है हमारे बॉडी का, वो लॉस हो जाता है फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विथ मिनरल आयंस. और जो हमारे मिनरल्स आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो भी उससे रिमूव हो जाते हैं हमारे बॉडी से. सच पेशेंट्स गेट डिहाइड्रेटेड. डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी लेड्स टू मसल्स क्रैम्प्स. डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स में जो होती है क्रैम्पनेस होने रहते हैं. इन सच सिचुएशन पेशेंट आर गिव ORS. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को ORS सोल्यूशन देते हैं, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स और सोल्यूशन कहते हैं. ORS का फुल फॉर्म है एज फर्स्ट एड. सबसे पहले ये प्रोवाइड करते हैं उसको कि जो ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बॉडी से, वो कंट्रोल हो सके. ORS कंटेन्स वाटर. ORS में क्या क्या होता है, वाटर होता है, लेमन जूस, साल्ट एंड शुगर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. इट कैन बी प्रिपेयर्ड इंस्टेंटली एंड कैन बी गिवन टू द पेशेंट. इसको हम तुरंत तैयार करके पेशेंट को दे सकते हैं एज ए फर्स्ट एड. द पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में फर्स्ट एड के बाद जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए. एज कंटिन्यू डिहाइड्रेशन कैन लेड टू डेथ. क्योंकि कंटिन्यू डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर कैन कॉज डेथ. डेथ भी हो सकती है इंसान की, इसलिए डिहाइड्रेशन के समय इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए. ओके. द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड रगेज. जो फाइबर फूड में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रगेज कहते हैं. रगेज इन फूड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. जो फूड में रगेज प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है. फूड विच कंटेंस रगेज इंक्लूड सैलड, फ्रूट्स, कॉर्न एक्सेट्रा. जो रगेज होते हैं वो सैलड्स में, फ्रूट्स में, कॉर्न में एक्सेट्रा, सारी चीज़ों में होते हैं. नेक्स्ट इज फूड टेस्टिंग. वी कैन टेस्ट द फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स बाई यूजिंग केमिकल रिएजेंट्स डैट रिएक्ट इट प्रिडिक्टेबल वेज इन द प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. जो फूड में प्रेजेंस होते हैं इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसको हम केमिकली रिएजेंट्स के द्वारा पता कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट. ओके. A diet which contains all the required nutrients in sufficient quantity is called a balanced diet. Balanced diet किसको कहते हैं, उस diet में, उस food में जिसमें सारे nutrients present होते हैं उसको हम लोग balanced diet कहते हैं. As all the food components you studied earlier and required for the functioning of the body, it is essential that our diet contains them in sufficient amounts. ऑल द फूड कंपोनेंट, जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फूड में प्रेजेंट होनी चाहिए. हमारे डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए क्योंकि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सफिशेंट क्वान्टिटी में हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत पड़ती है. इट अगर उसका कमी होती है तो इट्स लेड टू डिजीजेस, भी बीमारी हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, up to here you have to clear. Any doubt, any problem, then you may ask.
नेक्स्ट, फ्रॉम द डिटेल्स डिस्कस्ड वी रियलाइज दैट नो सिंगल फूड विल प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्स, कि किसी सिंगल फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ, जिसकी वजह से अगर कायदे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी भी फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी और हमारी गुड हेल्थ भी नहीं रहेगी। इफ़ वी चेक द डाइट वी टेक इन वी अंडरस्टैंड दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग इनटू द बॉडी इन वन वे और अदर, इसलिए एक फूड मटेरियल से अदर फूड मटेरियल से हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वन बाई वन आने चाहिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रेन टू टेक ए वैरायटी ऑफ फूड। ग्रोइंग चिल्ड्रेन को वैरायटी ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उस समय उनकी बॉडी ग्रोथ पे होती है। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड डाइट इज वन विल कंटेन्स एवरी थिंग आवर बॉडी नीड्स, जितनी भी चीज़ें हमारी ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसमें, बैलेंस डाइट में। सम चिल्ड्रेन डेवलप फूड फैट्स विच मीन्स दे ईट ओनली सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड ही खाना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो कि अच्छे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि एक ही टाइप का फूड सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है इसलिए सारे टाइप के फूड खाने चाहिए और ये नेसेसरी भी होता है, एसेंशियल भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। इन फूड कंट्री इन पुअर कंट्री इज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी पीपल डू नॉट ईट फूड रेगुलरली, तो रोज़ आदमी नहीं खाना खा पाता है पुअर कंट्रीज़ में, है ना। दिस कॉजेस अंडर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन होता है। इफ़ वन टेक्स फूड बट नॉट ए बैलेंस डाइट इट रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन, अगर कोई फूड खाता है बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो इसकी वजह से जो डिजीज़ है माल न्यूट्रिशन की होती है। द फूड रिक्वायर्ड इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन, और सभी के लिए एक जैसी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारे के लिए हर लोगों के लिए हर व्यक्ति के लिए फूड रिक्वायरमेंट हर स्टेज में फूड रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, अप टू हियर आई थिंक यू हैव टू क्लियर। A person doing a desk job needs less energy compared to a laborer. Here we want to say कि एक person जो desk job करता है मतलब sitting job करता है उसको less energy की ज़रूरत पड़ती है compared to a laborer, क्योंकि labor को बहुत hard work करना पड़ता है इसलिए labor को ज़्यादा energy की ज़रूरत पड़ती है। A pregnant woman needs more nutrients as the growth of the baby is taking place inside her body. तो pregnant woman को भी ज़्यादा nutrients की ज़रूरत पड़ती है in compared to नॉर्मल पर्सन। ग्रोइंग चिल्ड्रेन रिक्वायर मोर फूड फॉर देयर ग्रोथ, ग्रोइंग चिल्ड्रेन को भी ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों, क्योंकि उस समय उनकी ग्रोथ की कंडीशन होती है। ए पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम डिजीजेज नीड्स मोर प्रोटीन रिच डाइट, एक पर्सन जो कि रिकवर कर रहा हो किसी बीमारी से किसी डिजीज से तो उसको प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत पड़ती है। नर्सिंग मदर्स नीड टू टेक प्रोटीन रिच डाइट, नर्सिंग मदर होती हैं उनको भी प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी डैट वन शुड ईट ए वैरायटी ऑफ फूड रेदर देन ए सिंगल टाइप, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए ना कि सिंगल टाइप ऑफ फूड खाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे तो हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे, हमारी बॉडी भी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। ए कम्बिनेशन ऑफ रोटी दाल वेजिटेबल कढ़ी मिल्क फ्रूट जूसेस एग फिश, तो ये एक कम्बिनेशन होता है फूड का जो कि हमें कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। द फूड डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, जो फूड डिपेंड करता है अपने फंक्शन पे वो थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, इनर्जी गिविंग फूड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स, एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म विटामिन एंड मिनरल्स, तो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के फॉर्म में होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं जिनमें प्रोटीन्स ज़्यादातर होती हैं और प्रोटीन हमारे बॉडी की बिल्डिंग के लिए वर्क होता है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को। ओके नेक्स्ट सेटिंग इज जंक फूड एंड ओबेसिटी,
जंक फूड और ओबेसिटी की बात करते हैं। इट कैन बी सीन दैट मेनी चिल्ड्रेन स्पेशली लिविंग इन अर्बन इन सिटीज़ एंड टाउन्स में एरियाज गेन एबनॉर्मली मोर वेट इवन ड्यूरिंग यंग एज में ही उनका वेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जो टाउन या सिटीज़ में स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनका ऐसा क्यों होता है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ओबेसिटी, मोटापन। ओबेसिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ओबेसिटी किस वजह से होती है? ओवर ईटिंग की वजह से होती है और लैक ऑफ एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन ईट लॉट ऑफ जंक फूड सच एज, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन होते हैं वो भी जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बर्गर्स, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऑल दिस फूड आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट और शुगर। इनमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फैट और शुगर प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। तो जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फैट्स क्या होगा? हमारी बॉडी में स्टोर होता चला जाएगा, लेडिंग टू ओबेसिटी, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द ओबीसी चिल्ड्रेन आर स्लगिश, मोस्ट ऑफ देम आर स्लगिश एंड लेजी एंड इन ऑफन अफेक्ट्स देयर ओवरऑल हेल्थ। लेजीनेस की वजह से वो अपनी ओवरऑल हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। वेरी रेयरली ओबेसिटी कैन बी कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव ग्लैंड्स एंड हेरिडेटरी रीजन। बहुत ही कम ऐसी ओबेसिटीज होती है जो कि डिफेक्टिव ग्लैंड्स या हेरिडेटरी पर्सन, मतलब फादर या मदर या ग्रैंड फादर अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनका बच्चा भी हेल्दी हो जाए। तो ये चार कारण होते हैं, लेकिन मोस्टली कारण जो आजकल ओबेसिटी का होता है वो होता है जंक फूड खाने की वजह से। द ओबीस चिल्ड्रेन विल एक्यूमुलेट लॉट ऑफ अनसेचुरेटेड फैट इन देयर बॉडी। तो अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो स्टोर हो जाता है उनकी बॉडी में, विच कैन बी लेड टू वेरियस हार्ट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लेटर ईयर्स, जिसकी वजह से जल्दी ही हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बाद में जंक फूड खाने के लिए। सो चिल्ड्रेन शुड रिस्ट्रिक्ट ईटिंग जंक फूड, इसलिए बच्चों को जंक फूड खाने से रोकना चाहिए। एंड शुड डू फिजिकल एक्सरसाइजेज और गेट इन्वॉल्व इन एथलेटिक्स एंड गेम्स। तो उनको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, गेम्स भी खेलना चाहिए, जिसकी वजह से उनके फैट जो है उनके बॉडी में एक्यूमुलेट ना होने पाए, ओबेसिटी ना होने पाए और वो हेल्दी लाइफ जी सकें। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईटिंग बर्गर्स, चिप्स एक्सेट्रा? व्हाट इज ओबेसिटी? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? हाउ डज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लेड टू ओबेसिटी? तो दिस आर द क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम दिस, वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस। ओके, एंड वी हैव टू रीड द नेक्स्ट टॉपिक द फूड पिरामिड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।